मैडम आपको पता है कल होने जा रहा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच, तो क्या लगता है छोटी टीम, नहीं सॉरी छोटी टीम तो नहीं कहेंगे अब हम, क्या लगता है कौन सी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश? अच्छा ठीक है, अच्छा एक मिनट रुको, पता ही नहीं है? नहीं यार देख ले, ओए ये वाला लगाई ना, हाय हाय मैडम लगा देना, सब कुछ लगा देना, तो बात कर लो साडा, नहीं नहीं मैं देखूंगी पहले फिर उसके बाद बात करेंगे, हाँ कल है ठीक है, झूठ बोल ले बेटा, हाँ चले मैडम हम झूठ बोल रहे आपको, दोबारा शुरू करें। अच्छा बताएं कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सॉरी कैसे हैं आप? ठीक। जैसे कि आपको पता है कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच होने जा रहा है, नहीं पता तो कौन सी टीम जीतेगी? मुझे पता ही नहीं है, मैं क्यों बताऊं यार, जैसे कि नहीं पता ना, मैं बता रहा हूँ, हाँ बताएं, मैं बता रहा हूँ कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच है, कितने बजे, कितने बजे कल होने जा रहा है, जैसे कि ऑल टाइम हो रहा है 1:30 बजे। अच्छा हाँ जी, तो क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ मैं, जो कहना वो कहें, जल्दी कहें, बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग टीम है, जीत जाएगा बांग्लादेश। मैडम हमारे साथ आ गई है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, कैसा चल रहा है आपका चैनल? अस्तगफिरुल्लाह क्या सवाल कर लिया आपने, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका चैनल? करम है अल्लाह का, ये क्या कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका चैनल? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैडम आपको पता है कल होने जा रहा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच, तो क्या लगता है छोटी टीम, नहीं सॉरी छोटी टीम तो नहीं कहेंगे अब हम, क्या लगता है कौन सी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश? अच्छा ठीक है, अच्छा एक मिनट रुको, पता ही नहीं है? नहीं यार देख ले, ओए ये वाला लगाई ना, हाय हाय मैडम लगा देना, सब कुछ लगा देना, तो बात कर लो साडा, नहीं नहीं मैं देखूंगी पहले फिर उसके बाद बात करेंगे, हाँ कल है ठीक है, झूठ बोल ले बेटा, हाँ चले मैडम हम झूठ बोल रहे आपको, दोबारा शुरू करें। अच्छा बताएं कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सॉरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच होने जा रहा है, क्या लगता है कौन सी टीम जीत पाएगी? परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया बहुत अप जा रहा है, अश्विन रहाणे ने भी सबसे नंबर वन, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त काफ़ी सारी ऐसी टीम्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस हमें नल लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स को टक्कर दे दी है, तो इस वक्त हर टीम ही अनप्रडिक्टेबल हुई पड़ी है और कोई समझ नहीं आ रही है कि कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम हारने वाली है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया बीइंग नंबर वन टीम इन ODI 100% जो है कल जीत जाएगी। अगर इंडिया की बात करें तो नंबर वन इस टाइम उनका रन रेट जा रहा है, तो उसके करके बात करें सब वर्ल्ड कप के जितने भी मैच है वो जीतते आ रहे हैं, तो कल उनके लिए मेरे ख्याल से कोई इतना मुश्किल तो नहीं होगा मैच जीतने, जितनी देर से वो लोग खेल रहे हैं, उन्होंने वार्म अप मैचेस अगर खेले हैं, उन्होंने जो है एशिया कप खेला है, उन्होंने जो सीरीज खेली है यार, वो लोग हारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कल भी वो लोग हारेंगे, उनका सबसे अच्छा जो है इस वक्त जा रहा है रन रेट और ऑल द थिंग, और वो लोग एक विनिंग टीम जा रही है, उनका एक एल्गोरिथम अब सेट हो गया है, अब उनका रिदम बन गया है कि उन्होंने जीतना है उन लोगों ने परफॉर्म करना है, करना है करना है, और वो परफॉर्म कर ही जा रहे हैं। क्या लगता है कल भी अगर इसको बांग्लादेश को हरा देते हैं तो क्या लगता है वर्ल्ड कप के सारे के साल जो भी ODIs के इनके साथ मैच हो रही है सब के सब जीत जाएंगे, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल में सबसे जीत जाएंगे, लेकिन ये है कि ऐसा भी नहीं हो सकता, कुछ टीम्स में भी टफ टाइम दे भी जाएं, लेकिन जिस तरह से इंडिया इस वक्त जा रहा है ना भाई, इंडिया इज़ अनबीटेबल, मुझे नहीं लगता। अगर रोहित शर्मा की हम बात करें बहुत अच्छी, वो बंदा तो हिटमैन है, उस बंदे ने तो छक्के मारता नहीं, वो अगली टीम के छक्के छुड़ाता है, तो उस बंदे को तो आप लोग बिल्कुल हल्के में ला लें, वो बंदा पता नहीं क्या खा के उतरता है, और जब उतरता है तो फिर वो अगली टीम को जो है ना वो उतार के ही दम लेता है। तो विराट कोहली, विराट कोहली तो भाई वो तो ऑलवेज किंग है ना, वो तो उसकी तो बात ही ना किया करें आप लोग, वो तो भाई मैं तो कहती हूँ उसकी बात उसके मतलब हम लोग ये सवाल जब करते हैं ना कि क्या लगता है कि विराट कोहली परफॉर्म करेंगे, तो भाई ऑब्वियसली वो परफॉर्म करेगा ही करेगा, वो बंदा बना ही इसलिए। बाबर आजम, ओके अल्लाह हाफिज़, देखा मेरी बात ख़त्म हो गई है। बाबर आजम का बताएं, बाबर आजम इस वक्त थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको फिर भी सपोर्ट करते हैं, कुछ होता रहता है गेम है, आप कभी परफॉर्म करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन हम फिर भी आपके साथ हैं, आप जीतो या हारो हम आपके साथ हैं, ये नारा बस लगते रहना हमेशा, पाकिस्तानी इसी नारे पे पीछे लगे रहना, पता नहीं कब पाकिस्तानी अक्ल को आएगी, जीतो हारो, ये जब हम इनको ये देते ना हिला शेरी देते, वो कहते खैर है पाकिस्तानी माम साढ़े नाल हारो जीतो नाल, नहीं ऐसा नहीं है ना, अब आप देखे ना
कि जब हम लोग जब उन जब हमारी टीम जो है सक्सेसफुल होती है, जब वो जीतती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, करते हैं ना, दिल को खुशी होती है। तो जब वो हारती है तो हमें तब भी तो उनका साथ देना चाहिए ना। तो मेरे ख्याल में तो आप लोग उसको कहो कि आज तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम हैं और हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने, अगर आप देखें ना कि हम लोग पिछले कुछ अरसे में क्रिकेट को छोड़ गए थे, लेकिन अगर हमारा दोबारा यकीन पैदा हुआ है तो वो बाबर आजम ने ही किया है, तो हम उसके एहसान भूल नहीं सकते। तो ये है, उसके बावजूद ये है कि आई रियली वांट टू से कि बाबर को परफॉर्म करने की बहुत शदीद ज़रूरत है, क्योंकि बाबर इस वक्त बहुत खतरे में है, बहुत खतरे में नज़र आ रहे हैं सबके सब खिलाड़ी। परफॉर्म की बात करें खतरे में, दो आउट होते, तीन होते हैं, पीछे टीम बुक लग जाती है, वो जैसे टिकटें बांट रहे होते हैं। अच्छा मुझे बताएं कल फिर ज्यादा चांस किसके लग रहे हैं लास्ट आप? कल इंडिया के, ऑब्वियसली इंडिया के चांसेस हैं। इंडिया और वर्ल्ड कप में पहुंचने के चांस किसके लग रहे हैं? वर्ल्ड कप में भी इंडिया के ही हैं। इंडिया के लग रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कैसा चल रहा है आपका चैनल? अस्तगफिरुल्लाह, क्या सवाल कर लिया आपने। आपको पता कल होने जा रहा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच, क्या लगता है कौन सी टीम किस टीम पर भारी पड़ेगी? जिस तरह से छोटी टीमें सरप्राइज दे रही हैं, चाहे नेदरलैंड की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, तो कल का मैच भी अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। हमें नहीं पता कि बांग्लादेश क्या प्लान करके आएगी भारत के खिलाफ। भारत तो नो डाउट जीते ही जीतेगी, लेकिन हमें छोटी टीमों को भी कमतर नहीं समझना चाहिए, और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही हैं, कमाल का कर रही हैं, और कल का मैच डेफिनेटली देखने वाला होगा। होप सो वन साइडेड ना हो, पाकिस्तान की तरह ना हो। हमने एक छोटी टीम जीत गई है, तो हमने अब छोटी टीमों पर सरप्राइज वार कर लिया। एक नहीं, दो जीती हैं, एक नेदरलैंड है, दो जीत गई, तो मेहनत की है उन्होंने, जीते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो वर्ल्ड कप है काफी सरप्राइजिंग वर्ल्ड कप हमें नजर आ रहा है। हमें नहीं पता चल रहा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं करेगा, अगले मैच में क्या होगा, अगले मैच में क्या नहीं होगा। कहीं पर स्पिनर्स को धोता चढ़ रहा है, कभी बैटिंग अच्छी चल रही है, कभी बैटिंग अच्छी चली, कभी फील्डिंग, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि ये वर्ल्ड कप हो रहा है या मजाक हो रहा है। इंडिया की बात करें, इंडिया के रोहित शर्मा जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने परफॉर्म दिखाई आपके सामने थी, लेकिन मायूस तो पाकिस्तान, लेकिन अब इंडिया की फिलहाल बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कल ये परफॉर्म बांग्लादेश के छक्के उठा के रख देगी? जाहिर सी बात है, इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी कमाल की है, और जिस तरह से देखा जाए तो उनकी वन बाय वन हमें परफॉर्मेंसेज देखने को मिल रही हैं, तो छक्के तो जाहिर सी बात है छूटने ही वाले हैं। इंडिया की नहीं, बांग्लादेश के लाजमी छूटेंगे, और कल का मैच ही होप सो अच्छा हो, टारगेट अच्छा देगी। अगर भारत ने पहले बैटिंग कर ली तो 350 का टारगेट कहीं नहीं गया, वो 350 का टारगेट कहीं नहीं गया। वो चांसेस ज्यादा किसके लग रहे हैं आपको कल? भारत के लग रहे हैं, भारत के लग रहे हैं, ऑफकोर्स इंडिया के लग रहे हैं। अच्छा, इंडिया जब का वर्ल्ड कप शुरू हुआ है सब मैच इंडिया जीतता आ रहा है, तो क्या लगता है कोई मैच हारेगा भी कि सारे के सारे वर्ल्ड कप के जो भी मैच सारे जीत जाएगा, फाइनल वाला भी? ये कहना मुश्किल है कि ये कहना मुश्किल है कि भारत कोई मैच हारेगा, क्योंकि देखा जिस स्पीड से, मैं तो कह रही हूँ भारत एक्सप्रेस बनी हुई है इस वक्त, और जितनी स्पीड से भारत जा रहा है, होप सो कि वर्ल्ड कप भी इन्हीं का ही है। मैं की फारसी चीज तुम दस आगे, मैं भी यही कहेगी वर्ल्ड कप। सवाल ही आपने मेरा सुना, आपने सवाल सुने, आपने कहा कि जितनी स्पीड से भारत जा रहा है लगता है वर्ल्ड कप भी उनका। मैंने आपको कंफर्म करवाया कि हाँ वर्ल्ड कप उन्हीं का ही है। अच्छा अच्छा, मैंने वो कंफर्मेशन दी है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है मैडम आगे पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, तो क्या लगता है पाकिस्तान की परफॉर्म क्या होगी आगे? पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो बहुत ही बुरी जाने वाली जैसे हमें नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान छोटी टीम लग रही है, उसके सामने ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम लग रही है, तो पता नहीं क्या होने वाला है। हमारी टीम तो कसम खाली है कि हमने हार रही हारना, वैसे भी हमारे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं बीमार हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो पता नहीं क्या देखने वाले हैं हम लोग 20 अक्टूबर को। एक तरफ से तो कहते हैं कि ना ही है, हाँ तो 1% है। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो इंडिया की बात करें तो इंडिया को बहुत सपोर्ट कर रही है, उनकी परफॉर्म के ऊपर बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, एज अ पाकिस्तानी उनको बात करनी नहीं, लेकिन वो इंडिया को सपोर्ट बहुत कर रही है, क्या रीज़न लगती है? देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, चाहे हम ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेश है, व्हाटएवर, जो भी है, जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी हम उसको सपोर्ट लाजमी करेंगे। अब इंडिया अच्छा परफॉर्म करिए, हमारा बनता है कि तारीफ़ करनी चाहिए हमें भारतीय टीम की, और जितना हो सके उसको और ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी परफॉर्मेंसेस को लेकर। जो अच्छा खेलेगा वो मैच जीतेगा, ये सिंपल सी बात है, चाहे वो भारतीय क्यों ना हो। फिर अगर मैं क्या पैगाम देंगे आप खासकर इंडियन पब्लिक को? यही देंगे कि आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, पाकिस्तानी टीम को भी सपोर्ट करें वहाँ पर रहकर, और बाकी टीम्स को भी सपोर्ट मिलना चाहिए, और होप सो के जो आने वाले मैचेस हैं वो मैच ठाकरे को देखने को मिलेंगे, चाहे 19 का मैच है, 20 का मैच है, और रोहित शर्मा कल इंशाल्लाह डबल सेंचुरी करेंगे। आप कह रहे हैं कि सबको सपोर्ट करें, ये मेरा तो भूल गया, मुझे मेरा भी कह, हाँ सॉरी, इनको भी सपोर्ट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक शेयर जरूर करिएगा। इनका कहना बिल्कुल नहीं मानना आपने। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका चैनल? करम है अल्लाह का, ये कैसा? अच्छा ठीक चल रहा है चैनल आपका, स्पोर्ट में करते हैं। तो आज हम रिएक्शन लेने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, कल मैच होने जा रहा है, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? क्योंकि आजकल छोटी टीमें भी बहुत टफ टाइम दे रही बड़ी टीमों को यार। हाँ दे रहे हैं, लेकिन देखें ना, इंडिया का होम ग्राउंड है, फिर ऊपर से नया जाए कि वो सारे मैचेस जीते हुए हैं, प्रेशर भी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसिडेंस या कोई ऐसा वो मिरेकल हो जाएगा।
क्योंकि उनकी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए जिन जिन टीमों से छोटी छोटी टीमें जीती हैं वो कहीं ना कहीं लैग कर रही थी। अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ऑफ कल नजर आई। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका हर वर्ल्ड कप में कोई ना कोई ऐसी चवल मारती है जैसे हम इंडिया के खिलाफ मारते हैं। तो अफ्रीका याद होगा नैदरलैंड से एक बार पहले भी हाथ लग चुके हैं अफ्रीका को। तो ऐसे ये हुआ, इंग्लैंड आयरलैंड से जलील हो गई थी जब केविन ओब्रायन ने मारा था। तो ये मिरेकल्स हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि इंडिया के खिलाफ। हाँ, बांग्लादेश एक टफ टीम है, छोटी टीम नहीं है, बड़ा मुकाबला होगा। उसकी वजह ये शाकिब उल हसन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो टीम भी बहुत टफ मैच खेलती है और पूरी कोशिश करती है कि जितना क्लोजली मैच को ले जाओ जीत सके, जीत के लिए आती है। वो अपने आप को छोटी टीम नहीं समझती। हम कैसे, मैं कहता हूँ बांग्लादेश को कंसीडर करना भी चाहिए, जितनी उनकी ओल्ड क्रिकेट हो चुकी है और जितना वो आईपीएल लीग्स वगैरह खेल चुके हैं, पीएसएल वगैरह भी खेल चुके हैं। और पीएसएल चाहते नहीं बांग्लादेशी, पता नहीं चल लीग्स क्या देने अकाट दें। और जितनी वो लीग्स खेल चुकी हैं डिफरेंस, और उनके यहाँ अपनी लीग्स भी होती हैं, तो उनको काफ़ी आइडिया और वो काफ़ी तगड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये छोटा मैच होगा। हाँ, एज इंडिया को है। नहीं, कल जो मैच होने जा रहा है, देखा आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में आपने मैच देखा किस तरह पाकिस्तान ने हमें मायूस किया। तो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी हमारा हमसाया मुल्क है, इंडिया भी हमसाया मुल्क है। हमसाया मुल्क की मैच की बात हो रही है तो केलड़ी में आपसे पूछूं, साफ लफाजों में आपसे पूछूं, कल कौन सी टीम जीतेगी, क्या ज़्यादा जिसके चांस है? यार 70% इंडिया के, 70% इंडिया के और 30% बांग्लादेश, क्योंकि इंडिया के यार होम ग्राउंड है, इतनी स्पोर्ट होनी है, ऊपर से अपनी मर्जी की विकेट एज है उनको, उनकी अच्छा हर खिलाड़ी तो परफॉर्म कर रहा है। कल अगर इंडिया की पहली बैटिंग आती है तो क्या लगता है इंडिया कितना स्कोर मार, अगर इंडिया की कल बैटिंग पहली लेते हैं तो कितना स्कोर मार लेगा बांग्लादेश को? यार मुझे लगता है बांग्लादेश की इतनी माड़ी बॉलिंग नहीं, स्पिनर उनके अच्छे हैं, तो इंडिया 320-35 ये करेगा, मतलब 350 के करीब करीब मार जाएगा। क्योंकि आज भी देखें 300 के क्लोज रन चला गया जो इन्होंने मारा, क्या उसे कहते हैं यार, न्यूजीलैंड ने, तो क्लोज जाएगा। तो बात करें हम विराट कोहली की, विराट कोहली बहुत अच्छा है, रोहित शर्मा आजकल वर्ल्ड कप में छाए हुए हैं, वे सब खिलाड़ियों में से क्या कहते हैं? एग्जैक्टली, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और नो डाउट के उनकी क्रिकेट बहुत अपग्रेड हो चुकी है, उनको पकड़ना मुश्किल है, कोई टीम नज़र नहीं अभी आ रही उनको हराने वाली। बा होप्स हो कि हम कुछ ऐसा मिरेकल्स कर सके, हमारा दोबारा मुकाबला हो। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान और इंडिया का दोबारा मुकाबला देखें। आप चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला, लेकिन पाकिस्तान के परफॉर्म इस तरह की है, जिस तरह वो भी चार अगर मैच जीतेंगे तो वो जाएंगे सेमीफाइनल। मेरी बात सुनो, दो एक तो मैच आ रहे हैं यार, दो जीते हैं, हमें एडवांटेज है फाइनल में पहुंचने तक, सॉरी सेमीफाइनल फाइनल पहुंचने के लिए उनके चार मैच जीतने। तो आपको क्यों लगता है कि हम नहीं चार जीत सकते यार, चार कटे जीत पाएंगे लगता है? इंशाल्लाह यार, अभी कितने मैचेस पड़े हुए हैं, 9 मैचेस हमने खेल लेना अच्छा। जीतेंगे यार, हमने 9 खेल टोटल होते हैं, 3 हमने खेले, हम 2 जीते हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे इनसे भी, क्यों आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह जीतेंगे। जीतेंगे तो कल फिर इंडिया जीतेगा, ज़्यादा चांस, ज़्यादा चांसेस इंडिया। जी शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अरसलान भाई आप? ठीक। अच्छा कैसा चल रहा है आपका चैनल? यार तू भैन जी लाजमी गलाया है यार, बीच गल्ला की चलन दे यार, यार आपका कैसे है सलाम है आपके चैनल, इधर मेरी बात है, गल्ला नहीं करी, आपको पब्लिक देख रही है। ओ यार नहीं है, गल नहीं करी, आपके फैन है उधर यार, मैं नाम नहीं ले बस। अच्छा ना ना ना, ओन है पहले के, पहले कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक। जैसे कि आपको पता है कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच होने जा रहा है, नहीं पता तो कौन सी टीम जीतेगी? मुझे पता ही नहीं है, मैं क्यों बताऊं यार, जैसे कि नहीं पता ना, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच है, कितने बजे, कितने बजे कल होने जा रहा है? जैसे कि ऑल टाइम हो रहा है 1:30 बजे। अच्छा हाँ जी, तो क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ मैं, जो कहना वो कहें, जल्दी कहें, बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग टीम है, जीतेगा बांग्लादेश, स्ट्रॉन्ग टीम में जीत जाएगी, देख लें, आपको पब्लिक देखती है इंडियन, देख लें क्या कह रहे हैं अरसलान भाई, कह रहे हैं इंडिया नहीं जीतेगी, वो बांग्लादेश जीत जाएगी। मैं तो ये बात की नहीं है, अपने अपने कहा तो बांग्लादेश जीत जाएगी। अच्छा मैंने नहीं, मैं कह इंडिया जीतेगा। अच्छा मैं पहले तो मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप चैनल वाले सारे जितने भी यहाँ पे हो साथ मुझे मिला के, मैंने तो चलो की नहीं किया, मुझे आपका कोई बनता है बांग्लादेश वर्सेज इंडिया, या बनता है, क्यों नहीं बनता इंडिया वर्सेस, आपका हमसाया मुल्क नहीं बांग्लादेश? मेरी बात सुनो, छोटी टीम के साथ किस बड़ी टीम के साथ कंपेयर, अपना हमारा कंपेयर नहीं, और आप उसके साथ जोड़ रहे हैं,